जय जगन्नाथ। आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक क्रांतिकारी आह्वान सत्य दर्शन को आपण मानको हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज भिडियोटी आपण मानक परी आमर जने नियमित प्रिय दर्शक बंधु को अनुरोध क्रमे प्रस्तुत करा जाय छी। से आम चैनल रे तांकर निजर भिडियो वार्ता देबा पई आग्रह प्रकाश करी मो पाखु को व्हाट्सएप जोगे तांकर एक भिडियो क्लिप पठाई थिले, जहाकु एही भिडियो रे स्थानित करा जाय छी। भिडियो देखिबा पूर्वरु मु आपण मानको तांकर परिचय एवं तांक विषय रे पदे अधे कहिबाकु चाहूं छी। से दीर्घ एक वर्षरु अधिक समय हला आम चैनल नियमित देखि आसुछंती। अवश्य केतेक दर्शक बंधु तांक ना आम चैनल रो मासिक परिक्रमा भिडियो रु सुनिथिबे। अनेक वीडियो रे से कमेंट मध्य दे थांती। से होचंती प्रमोद कुमार मेहर, ग्राम पोस्ट मनुपाली, भाया बाउंसुणी, जिला बौद्ध। एकाधार रे से जने कवि, नाट्यकार, नाट्य निर्देशक तथा विशिष्ट बुणाकार शिल्पी। प्रमोद मेहर को परिवार रो मोट चारि जण सदस्य को मध्य रे ए होचंती तांकर धर्मपत्नी मधुस्मिता मेहर, आ ये हेले तांकर जुक्त दुई पढ़ुथिबा एकमात्र झियो मनीषा मेहर, एवं षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुथिबा ए हेउछन्ती तांकर एकमात्र पुत्र लोकेश मेहर। एमाने परिवारर समस्त सदस्य आम आश्रम सह फोन माध्यम रे कथा होइतिले। आउ कथा हला परे निकटरे सेमाने गत मासरे सपरिवार सह आम आश्रम रे पहुंचीथिले एवं आश्रम रे दुई दिन रहणी परे निज घर को फेरी जाइथिले। मात्र प्रमोद मेहर को मनरे किछि कथा कहिबा पई इच्छा थिला, जहां से आश्रम रे कहि पारि नथिले। ता छोडा तांको पई आश्रम रहणी बहुत कम समय पई थिला, किंतु फेरि जिबा परे से तांकर मनर कथा को वीडियो माध्यम रे पठाइथिले एवं एहाकु यूट्यूब रे अपलोड करिया पई मध्य अनुरोध जणाइथिले। तांको अनुरोध रक्षा करी एई वीडियोटी अपलोड करा जायछि। तेबे से काहि कि आम चैनल रे निजसो वीडियो वार्ता रखिबा को चाहिले, एबे तांको मुहरु सुनंतु। जय गुरुदेव, जय पंचदेव। दर्शक बंधु आपण माने सत्य दर्शन चैनल तो निश्चय देखुथिबे। मु से विषय टिके कहिबाकु चाहूँगी। मो थोरे यूट्यूब देखु देखु सत्य दर्शन चैनल मो सामना को आसला। सत्य दर्शन चैनल दि जाऊथबा समस्त वीडियो मु देखिबाकु पाइली। मत एते सुंदर लागिला से वीडियो माने आध्यात्मिक विषय रे एवं मनीष चलनी विषय रे जेमिति सब उपादेय मान से मानसी गुरुजी बुझे देउछन्ती प्रांजल भाव रे, मते बहुत बहुत आनंदित लागिला। मु से चैनल रो प्रेम रे मु पड़ी गली। प्राय सबुदिन मु अपेक्षा करी थाए गुरुजी केबे सत्य दर्शन चैनल को नुआ नुआ तथ्य दौंती। एमती देखु देखु मते बहुत भल लगला। प्रत्येक चैनल प्रत्येक वीडियो मु से गुरुजी को प्रत्येक वीडियो देखा पाइली। समस्त वीडियो जहाँ कि मु शिखा को पाइली। मो जीवन चलनी भितर मो अनेक समस्या भी दूर हो जा गुरुजी को आशीर्वाद रु। एमती भाव भाव दिने मोर गुरुजी को साथ कथा हाँपाई गुरुजी को मु नंबर मागिबार गुरुजी नंबर देले। गुरुजी को सहित मेसेज रे भी कथा हुए, डायरेक्ट भी फोन रे कथा हुए। मोर घर द्वार सुविधा असुविधा सब विषय रे गुरुजी कहती। मु दिने भाविली जे इत बड़ महालोक यदि दर्शन थे करे मनीष जीवन साफल्य हो जाए। से मु मन मन चिंता कली गुरुजी को मु कन्नगुरु दीक्षा ग्रहण नापी गुरुजी को कहली। आम घर चारज सदस्य आम समस्ते कन्नगुरु दीक्षा नापी आग्रह कलु। गुरुजी को देखापी तो मन व्याकुल होता है। पैसा पत्र
ସେତେ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଆଉ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦିନେ ବାହାରିଲୁ ଗୁରୁଜୀ ପାଖକୁ। ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁଠୁ 380 କିଲୋମିଟର ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାଶ୍ରମକୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ଗୁରୁଜୀ ସେତେବେଳେ ମୌନବ୍ରତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କଲୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଦର ଦେଖି ଆମେ କୁଣ୍ଡିମଠ ହୋଇଗଲୁ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ଶୁଣି ଆମେ ହତବାକ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ। ସେଠି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବା ପରେ ତହିଁଆର ଦିନ ପୂଜା ପର୍ବ କରି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆମ ପରିବାର ଚାରିଜଣ ଯାକ। ତାପରେ ସେଇଦିନ ରହି ପୁଣି ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଜୀବନଭର କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ବାଣୀ, ବିଭୂତି ବାଣୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଦର ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ମୋର କହିବା ଏତିକି ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ସେଇ ପଞ୍ଚଦେବାଶ୍ରମକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ବାଣୀ, ବିଭୂତି ବାଣୀ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସିନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି କିଛି ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଚିର ନମସ୍କାର ସେ ଗୁରୁଜୀ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚଦେବ। Thank you।